न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ। संविधान आरक्षण विरोधी है भाजपा सरकार महबूब अली सपा। बिजनौर कोतवाली शहर स्थित एक बैंकेट हॉल में समाजवादी पार्टी का मानसतप संविधान स्थापित कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने संविधान मानसतप का अनावरण किया तथा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। महबूब अली ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान आरक्षण विरोधी है, पीडी समाजवादी पार्टी का रास्ता है। संविधान सिद्धांत शब्द सपा में है, प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आने वाले चुनाव में भाजपा का प्रदेश से सफाया तय है। उन्होंने कहा कि बिजनौर में ग्राम खारी के कारी सैफुर रहमान की मजिस्ट्रेट जांच 15 दिन सौंपी जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन ने तथा संचालन डॉक्टर रहमान अखलाक पप्पू ने संयुक्त रूप से किया। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में देखिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई है, इकट्ठा हुए, संगठित हुए और संगठित होने का इस पार्लियामेंट के वक्त में इस चुनाव में रिजल्ट सामने आया। जैसे सभी नेताओं ने कहा, आपकी समझ में आया हो या ना। एक मिनट नीचे करो, थोड़ी थोड़ी आगे नीचे करो, नीचे एक मिनट ताराज है ये। संविधान मान दिवस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मैं जो हमने पार्लियामेंट में एक जेन्युइन मुद्दे की तरफ जो होने वाली घटना की तरफ पूर्व में संज्ञान लेकर हमने उसे उठाया था पार्लियामेंट में कि अगर सरकार में ये रहे तो निश्चित इनके नेताओं ने बोला है कई जगह कि हम संविधान बदल देंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए एक शांति सुकून और भाईचारा मोहब्बत देश में कायम करने वालों की जमात सभी ऐसी पार्टियां इकट्ठा हुई और वो इकट्ठा होने के बाद में उन्होंने लड़ाई लड़ी और आज उसी का नतीजा है कि संविधान की जहां रक्षा से संबंधित है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी याद करिए, हमें वो वक्त भी याद है जब दिसंबर का महीना था, संविधान बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या किया था सब जानते हैं। आज उन्हीं के नेतृत्व में उनके बेटे आज हैं और संविधान को बचाने के लिए हर लड़ाई समाजवादी पार्टी जमीन पर आकर लड़ेगी लेकिन संविधान बचाएगी। उसी को उन्होंने प्रोग्राम बनाया था और आज उसी में मैं खड़ा यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले बाबा साहब भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के संविधान, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की दीक्षा शिक्षा जो उसमें दिया गया है और मैं कहूँगा छत्रपति साहू जी महाराज जी के जो दिशा निर्देश उसमें थे उस चीज़ को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और इसमें कह देने के नहीं हम आखिरी लड़ाई तक संविधान पर कहीं आ जाएगी तो हम आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, जमीन पर होकर भी संघर्ष कर पर भी अगर हमें लड़ाई लड़नी होगी तो वो लड़ाई लड़ेंगे।
देखिए उनके विचारों से मेरे को ना जोड़िए, उनके विचारों से आप उन्हें ही जोड़ दीजिए, बेहतर है। मैं तो तुम्हें अस्सलाम वालेकुम कर रहा हूँ, आप बताइए क्या कहना है। मैं तुम्हें सबको अस्सलाम वालेकुम कर रहा हूँ, आप बताइए उस पर क्या कहना है। क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और हर हालात में हमें भी अपनी परंपराएं और कुरान का सिस्टम कि हरी फसलों को नहीं उजाड़ना है, गरीबों पर अत्याचार नहीं करना है, बेगुनाहों पर अत्याचार नहीं करना है, ये हमारे नबी का बताया रास्ता है और एक अदब करने का, सलाम करने का भी तरीका बताया गया है। उसे भी आगामी 2000 हम मुतमईन ही नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के लोग अब अस्वस्थ हो गए, बिल्कुल आराम से बैठने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई किसी भी स्तर पर समाज की लड़ेंगे और 2027 में समाजवादी पार्टी की हम निश्चित मुतमईन हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार